गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम ले रहे हैं फर्स्ट क्लास की ओ और औ की मात्रा। आज हम क्या पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास में? ओ और औ की मात्रा। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ी थी? ए और ऐ की मात्रा। तो आज हम आगे पूरा करेंगे उसको, ओ और औ की मात्राएँ पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो बेटा ओ और औ की मात्रा होती है, देखिए जब हम किसी भी शब्द में ओ और औ की मात्रा लगाते हैं की मात्रा रखती है एक डंडा और एक मात्रा, और औ की मात्रा में क्या रहता है? एक डंडा और दो मात्राएं ऊपर से। क्लियर? जैसे ए में आप लगाते थे ना एक मात्रा, उसमें हम डंडा नहीं लगाते थे। ऐ में लगाते थे हम दो मात्राएं, उसमें हम डंडा नहीं लगाते थे। लेकिन ओ की में, ओ की जब हम मात्रा लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं उसमें? एक डंडा एक मात्रा, और औ की मात्रा में एक डंडा दो मात्रा, ठीक है ना? समझ में आ गया? अब चलिए हम ओ और औ की मात्राओं के कुछ शब्द पढ़ते हैं। जैसे कि तोता, तो ओ आवाज़ आ रही है ना, तो ओ ता, तोता। ओढ़नी, ओढ़नी। ओ आप यदि खुद भी बोल के देखोगे ना तो आपको लगेगा कि उसमें ओ का स्वर आ रहा है। ओढ़नी, ओढ़नी। ओ खली, ओखली। गोभी, गोभी। देखो गो चौड़ा। और
औकी। कौन सी मात्रा लगती है? औकी। एक डंडा दो मात्रा, पकौड़ी। और इसी तरह से मौसी, नौका, चौड़ा, पकौड़ी, मौसा। लिखेंगे ना मौसा, मौसा में भी दो मात्रा लगती है, मौसा, मौसा है ना, मौसा में भी दो मात्रा लगती है, मौसा। और इसी तरह से हो गया नौजवान। इसी तरह से औरत। और